नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं गो स्लिम फैट रिड्यूसर रस का। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसका यूज़ क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या, इसमें कौन कौन कंपोजिशन है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये जो है वो गो स्लिम फैट रिड्यूसर रस है, जो कि शुगर फ्री है और पूरी तरीके से नेचुरल है। मींस इसमें कोई भी हाफ उन केमिकल जो है उनको इंक्लूड नहीं किया गया, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये शुगर फ्री मेडिसिन है। तो इसको डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। अगर बात करें इसकी MRP की, तो इसकी MRP 220 रखी गई है। अगर बात करें ये किसका ब्रांड है, तो ये फेम ड्रग्स जो कि एक मेरठ की कंपनी है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, वो इसको मैन्युफैक्चर करती है फैट रिड्यूसर रस को। अगर बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें एलोवेरा 50 mg और जो आंवला है वो है 200 mg, नागरमोथा 100 mg, सौंठ 200 mg, बहड़ा 300 mg, वायुदंग 100 mg, हरड़ 50 mg, वालामूल 100 mg, पीपल 50 mg, सुगंध वाला 50 mg, वेलगिरी 200 mg, पाटा 100 mg, निषोध 100 mg। ये जो है क्वांटिटी वो ईच 10 ml कंटेन करती है। मीन्स अगर आप एलोवेरा ये रस 10 ml लेते, तो उसमें आपको इतना इतना ये कंपोजिशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो इसमें जो अगर मोटापे के कारण जो हमारी मसल्स हैं, अगर उनमें पेन हो रहा है तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। पेट बढ़ रहा है, तोंद निकल रहा है, तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को अधिक मोटापा है, उससे क्या होता है, वो सीढ़ियाँ चढ़ने में उनकी सांस जैसी फूलने लगती है, घबराहट थकान होती है, तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, मोटापे के कारण उनमें हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तो वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सभी प्रकार की सूजन, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे बाहरी, चाहे इंटरनल, चाहे एक्सटर्नल हो, वो इसको दूर करती है। किसी कार्य को करने में जिनका मन नहीं लगता है, वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइप का मतलब मोटापा हो, उसको दूर कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है वो 10 से 20 ml है, खाने के बाद 1 कप पानी में। मीन्स आपको 10 से 20 ml इस रस को 1 से 2 कप पानी में डालकर सुबह शाम खाने के बाद लेना है। याद रखें कि ये कम से कम जो ट्रीटमेंट है वो 45 से 60 दिन तक चलेगा। और हम बात करें इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम नहीं खा सकते, इसमें आपको घी, स्वीट्स, आइसक्रीम, ऑयली फूड, पिज्ज़ा, बनाना, राइस, ये आपको नहीं लेना है, पूरी तरीके से अवॉइड करना है। और इसमें करना क्या है, इसमें आपको एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका जो फैट है, आपका जो मोटापा है, वो कम होगा। और अगर हम बात करते हैं इसमें और कौन कौन सी कंडीशन है, उनमें हम यूज कर सकते हैं, चाहे मोटापा किसी भी टाइप का है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर इसका यूज़ किया जाए, तो इसको आप यूज़ करने से पहले अच्छे से रस को हिला लें, क्योंकि इसमें कुछ कंपोजिशन जो है वो तली में बैठ जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से मिक्स हो जाएं। ये पूरी तरीके से हर्बल प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता हो, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। गो स्लिम फैट रिड्यूसर का यूज़ करके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, या जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। या जो पेशेंट ऐसे हैं जिनका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मीन्स इबक्वेट सही से नहीं हो पाता, तो वो लोग भी गो स्लिम फैट रिड्यूसर रस का यूज़ कर सकते हैं और जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी तरीके से नेचुरल है, मीन्स हर्बल प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडियन फार्मा टेक।